नमस्कार, गुड मॉर्निंग अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछु। मु स्वप्न आरंभ करबा खबर अभियान। आज प्रधानमंत्री को उत्तराखंड रा हलद्वानी गस्त एही समय रे प्राय 17500 कोटी टंकारु अधिक मूल्य रा 23 टी प्रकल्प रा भित्तिप्रस्तर स्थापन ओ उद्घाटन करिवे पीएम मोदी। 23 टी प्रकल्प मध्ये रे 14100 कोटी रु अधिक मूल्य रा 17 टी प्रकल्प पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जिवो। एही प्रकल्प गुड़िक समग्र राज्य रे जलसेचन, सड़क, गृह, स्वास्थ्य, भित्तिभूमि, शिल्प, परिमल, पानीय जल जोगाण समेत अन्यान्य क्षेत्र अंतर्भुक्त। सेहीपरि 6 प्रकल्पर उद्घाटन हेब, जेउंतरे एकाधिक सड़क प्रशस्तीकरण प्रकल्प, पिथोरागड़ार एक जल विद्युत प्रकल्प एवं नैनीतालर स्वेरेज व्यवस्थार उन्नति आदि रहिछि। उद्घाटित हेबाकु थिबा प्रकल्प गुड़िकर समुदाय मूल्य 3400 कोटीरु अधिक अटे। कोरापुट जयपुर रे महिलांकु दुष्कर्म मामला, महिलांकु न्याय दाबी रे बीजेपी पक्षरु आज 12 घंटिया जयपुर बंद डाकरा दिया जायछि। जयपुर रे जणे महिलांकु बंदूक मुनरे दुष्कर्म करा जायथिबा नै महिला थाना रे अभिजोग करथिले पीडितांक स्वामी। तबे पुलिस सठिक तदंत करुनथुबा बेले अभिजुक्तंकु धरिबारे विफल होईछि। दुई जणक नाम रे अभिजोग होइथिले मध्य पुलिस सेमानंकु गिरफ करिनि, जाकु नै आज बीजेपी पक्षरु 12 घंटिया जयपुर बंद डाकरा दिया जायछि। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे कोरापुट राम प्रतिनिधि मनोज दास आम सहित लाइव जोड़ी होती। मनोज, पीड़िता महिला को न्याय दबा दाबी रे आज 12 घंटिया जयपुर बंद डाकरा दिया जाइछि। तबे बंद रो प्रभाव किबोल रहिछि एवं संपूर्ण घटना कोन थिला जानिबा को चाहिबा मनोज। निश्चित स्वप्न देखो, गत 24 तारीख में महिला को बंदूक मन दुष्कर्म कर जयपुर सदर अंचल जो ब्राह्मणी गाँ रही से पीड़िता न्याय देवाई जो अभियुक्त मैंने घटन संपुक्त अच्छा गिरफ करने से स्थानीय बासिंदा और बीजेपी प्रतवाद उठाई स्वर उठाई है और आ पूर्व विगत दुई दिन तेज़े राजा रास्ता अवरोध कर आंदोलन कि फलाफल मिलना नहींपर पुणी आज जयपुर में बीजेपी सकाल 6 संध्या 6 जाए 12 घंटिया आंदोलन डाकरा दे। आपको जयपुर दृश्य देखा चाहिए, देखिपे बीजेपी रो पूरा जो राजनैतिक दल अच्छा कर्मी अच्छा समस्ते महिला को न्याय दाबी रे पूरा राज रास्ता पूरा बंद कर दिया जाए, अवरोध कर दिया जाए। मुझक बंद रृश्य टी देखे चाहिए, देखिपे ये जो होती मुख्य रास्ता यू नवरंगपुर, कोरापुट, जयपुर, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश सबू जगह जावाक संजोग कर मुख्य रास्ता देखु पूरा गाड़ी लंबा जाम रही। मार्केट कथा जदि कह संपूर्ण मार्केट बंद कर कहीं जो जो जिते भी दुकान बजार था गत काली सूचना दि जाइला कि महिला को न्याय दाबी से यह संपूर्ण अंचल को बंद कर जयपुर को 12 घंटिया बंद कर। बर्तमान आम जो बीजेपी जो दलियों नेता मैंने सागर बर्तमान आम जोड़ी हो जो गौतम सामंतरा अच्छा बीजेपी आलोचना करवा सर देखो तो लगातार महिला को दुष्कर्म घटना देखा मिलू केवल यही घटना नुआ नुहे ये अंचल कुंदुली घटना देखा मिली ममिता अच्छी पीऊ अच्छी परी होती अनेक थर महिला दुष्कर्म घटना देखा आसू चित्र आसू कि कौटि भी न्याय दौना राज्य सरकार और प्रशासन तरफ कौन साजोग मिलूनी तो यही घटन कौन सा पीड़िता को न्याय मिले आशा रखुंत कि प्रतिवाद करवा समस्त जनसाधारण कर्तव्य कौनसी एक विभत्स जिनिष जहाँ सभ्य समाज छाती बसी विद्रूप करे न्याय व्यवस्था को आमर जो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी ताकू अटहास्य करे सारा राज्य रे आपण एबे जेमिति कहुतले सारा राज्य रे महिला असुरक्षित नवीन सरकार को एक 20 वर्ष 21 वर्ष शासन काल मध्य रे सारा राज्य रे प्रतिदिन 6 रु 10 पर्यंत बलात्कार घटुछि। अनुरूप भावे आम अंचल रे मध्य ये बलात्कार घटनाटा होइछि। गोटे कुच्छित विवत्स लोम हर्षणकारी मनीष मनरे आलोड़न सृष्टि करथवा भली घटना जयपुर सदर उपकंठस्थित ब्राह्मणी ग्राम 24 तारीख दिन राति गोटे निरीह परिवार सोइथिबा समय रे तांकु उठेकि स्वामी को बंदूकर भय देखेकि स्वामी को निज अख्तियार को नहीं कि छोटो
तीन वर्षर निष्पाप शिशु को गला दबेकी अति अमानुषिक विवत्स भाव गणधर्षण कर जनक पर जड़े से पीड़िता भौणी को धर्षण कर चली स्पष्ट दिवालोक कांड घटी केते केस रिपोर्टेड होते केस गोटे सोशल स्टिग्मा जहाँ एटाच रही बहु लोक भय मन मुह खुलू ना दोषी को गिरफ्त कर बड़ बड़ जो दुष्कर्म घटना घटना कहीं गिरफ्त राजनैतिक चाप किसी देखा ना प्रशासन दुर्बलता कह राजनैतिक चाप नुह शासक दल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संरक्षण से अपराधी माने खोला बुलुं अपराधी मानकर पुलिस प्रति भय ना पुलिस अपराधी मानक गोटे निरापद दूरत्व रही ये निरापद दूरत्व आज आम समाज को कलुषित कर महिला मान सुरक्षा ना गोटे परिवार रे जदि एमती विवत्स कांड हो पारुची गोटे गाँ भर से घर टी ग्रामवासी चुप रही बंदूक भय ब्लांक फायर कर साक्षी मानू डरा जाऊँगी धमका जाऊँगी प्रभावित करा जाऊँगी पुलिस कहीं चुप बस गृह विभाग तत्परता कहीं ना मुख्य जे शासन भार दायित्व बहन मुख्यमंत्री से कौन करदा विष्णु साजिंट भाई निदा विष्णु साजिंट आपण जो कहते जदि पुलिस सक्रियता देख था भारतीय जनता पार्टी को एमती राज रास्ता को आसवाक पड़ न था ये विद्रूप अपराधी मानकर आम व्यवस्था प्रति ये अट्टहास्य ये पुलिस बाहिनी प्रति आज खाकी रे से माने खाली गोटे धर्षिता को धर्षण करना खाकी को धर्षण करती कहले अत्युक्ति हम ना बर्तमान गौतम सामंत आलोचना करते अन्य सहकर्मी सहयोगी जोड़ी रही भी आलोचना करवा सर आप अंचल अनेक दिन है रही आसुच्च जो भाया घटना ये बारंबार घटू तो यहाँ केते निंदनीय गोटे महिला को न्याय दबाटा ये प्रशासन आवश्यकता अच्छी सरकार ये न्याय देवा कथा ना ना देखा गले सरकार तो न्याय देवा कथा कितु आमर ये जो प्रशासनटा जो चली तो पीड़िता को तो न्याय मिलूनी खाली ए गोटे कथा बोली ना आमर आपत कहते बेबीना पौरी माधवीलता तापर आमर आसला इतिश्री एमती बहुत पीड़िता को मध्य एपर्त तो न्याय मिलनी आंदोलन केते दिन जारी जारी रही जो पर्यंत पीड़िता को न्याय मिलनी से पर्यंत भारतीय जनता पार्टी आंदोलन टा जारी रख मनोज प्रश्न उठू महिला गणदुष्कर्म करागला पीड़िता स्वामी थाना एफआईआर दे घटना को गोटे सप्ताह ऊर्ध बीतवाक बसला किंतु कहीं पुलिस बाबू कहीं पदक्षेप ने कहीं अभियुक्त को गिरफ्त कराऊना एटारे प्रश्न उठू क्या चापर चेपा ये पुलिस निश्चित भाव स्वप्न देखो लगातार जदि दुष्कर्म घटना कह देखु आ पूर्वर यही कोरापुट अंचल जो कुंदिलर घटना होता है से लोक न्याय मिलन जो पीड़िता रही है भी सेठी न्याय मिलन आज भी जयपुर अंचल जो ब्राह्मणी गाँव घटना घटी जा देखु जदि आम कह पुलिस ये कौटि ना कौटी कार्य तत्परता उपर गोटे बड़ प्रश्न उठाऊँच जदि पुलिस विभाग सचेतन होता निज कार्यशैली को ठीक भाव में निभाई था हुए तो जो अभियुक्त मैंने खोलम खोला बुलूंट हुए तो से पुलिस हाजत में थाते काठ गड़ा को टाणी होता है पीड़िता को न्याय मिली था कि गृह विभाग कौन दुर्बलता रही राज्य सरकार और प्रशासन कौन एमती दुर्बलता रही जोटा द्वारा दीर्घ छत दिन बीतीगला घटना है कि पुलिस हाथ एवं भी खाली अच्छी तो आम कह कि प्रशासन दुर्बलता एटि जो रही अभियुक्त से घोड़ौची प्रशासन एवं से सहयोग कर मनोज जहाँ लाइव दृश्य देखुलू बीजेपी पक्षर जयपुर बारघंटिया बंद डाकरा दि जाए पीड़िता को न्याय प्रदान आशा रखा आम धन्यवाद आपण समस्त अपडेट आसवा परवर्त खबर को राज्यर विभिन्न स्थान में शीत सह उत्तर और आभ्यंतरण ओडिशा रे वर्षा जारी रही गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हो बरगड़ अंबाभना सर्वाधिक 105.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईपरी संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ में वर्षा होती
आज मध्य उत्तर ओडिशा रे वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग केन्द्र। आठ जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि वर्षा कारण राज्य रे राति तापमात्रा 10 डिग्री ऊपर रहिछि। दारिंगबाड़ सर्वनिम्न तापमात्रा 11.5 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। तबे नुआ वर्ष पर वर्षा कमिबा सह पूर्णि फेरिब शीत। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि आम सहित जोड़ी होती। स्वप्नांजलि जदि कहिबा आज राजधानी रे किछि किछि स्थान रे हालुका वर्षा होइछि किंतु जहां पाणिपाक केन्द्र पक्षर सूचना रहिछि नुआ वर्ष पर पूर्णि वर्षा कमिबो एवं शीतर प्रकोप बढ़िबो। देखंतु स्वप्ना निश्चित भाव में कही पारा जो भाव में अदिनिया वर्षा लगि रही कोटना कोटि यह राज्यवासी को प्रभाव पकई। आपत देखु पश्चिम ओडिशा रे गत काली रिपोर्ट जहाँ आकलन कराई सबुठू अधिक बरगढ़ में 105.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराइला बेले सबुठू कम जदि देखा तो झारसुगुड़ार कोलाबीरा 42.2 डिग्री मिलीमीटर वर्षा होपे जे गत काली पूर्व 24 घंटा भितर सबुठू अधिक भारी वर्षा पश्चिम ओडिशा सहित विभिन्न जिला मानक हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा एवं कुहा जाउछि जे आसंता दुई दिन राज्य रे एमती हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हबो ता सहित उपकूल ओडिशा भिजिबो एवं उपकूल ओडिशा सहित मयूरभंज कंधमाल कोरापुट बौद्ध बलांगीर ये तमाम जिलार किछि किछि अंचल बा किछि किछि स्थान रे वर्षा होई पारे एवं अदिनिया जो वर्षा विशेष करी चासी मानकु क्षतिग्रस्त करछि काकि ना वर्तमान धान अमल जो समय थिला पूर्वरु विगत दिन जो लघु चाप सृष्टि होता कौटे ना कौटी धान क्षय क्षति बेसी होता है पुणी थे ये जो वर्षार परिमाण धीरे धीरे बढ़ुची एवं शीत वर्तमान कमी आशा करा जो 30-31 दुई दिन जाक आउ हाथ समय अच्छी 2021 यही दुई दिन भितर राज्य में कोहला पाग रुड़ी प्रभाव अधिक पड़े तेणु संपृक्त जो जिला मानक अधिकारी रही जिला SRC सूचना देखते निर्दिष्ट जिला मानक से जिलार जिलापा ए दिगरे ध्यान देवे सका अधिक दुर्घटना घटार संभावना रही तेणु से जिलापाल मैंने कोभली भाव में परिवहन विभाग अधिकारी जो मैंने अच्छा से दायित्व नष्ट देवे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा स्वप्न कहीपर जो भाव में सका अनेक जन अफिस् सहित मर्निंग वाक जगिंग एसबू भी बाहर तेणु कोभली भाव में दुर्घटना न हो दुर्घटना को एड़ापी सब परिवहन विभाग अधिकारी एथप्रति गुरुत्व देते शीत बढ़िया नहीं जो आशंका करे दुई दिन 30-31 दुई दिन गला जाए जना पड़ जे वर्षा कमिबा एवं शीत बढ़िबा। स्वप्ना निश्चित भाव जहाँ भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि आमको सूचना देउथले दुई दिन पर जनापड़ राज्य में शीतर प्रकोप किभली रहिबो एवं आज जी कहिबा ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा मध्य हबो। आठ जिला को येलो वार्निंग मध्य पाणिपाग केन्द्र पक्ष जारी करा जाइछि। तेबे वर्षा कारण राज्य में रात्रि तापमात्रा मध्य 10 डिग्री ऊपर रही। धन्यवाद स्वप्नांजलि आपणको समस्त अपडेट पाई। वर्तमान बुलेटिन रे समय होछि एक छोटो ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। मन किणुची संबलपुर रेड़ाखोल रो देदेरा जलप्रपात। शीत दिने एठारे प्राकृतिक सौंदर्यर मजा नेबा सह बणभोजी जमुची लोकंक भिड़। संबलपुर नाकटी देउळ ब्लक गिरीशचंद्रपुर पंचायत कांचनपुर गाँ निकटे रही जलप्रपात। जलप्रपातर गोटे पटे सूच पहाड़ और से बाहरी झरणा पर्यटकों बेस आकृष्ट कर देदेरा जलप्रपात को पर्यटन क्षेत्र मान्यता दाबी करपर्यंत मान्यता मिल पारिना। एठारे मंदिर पार्क शिशु उद्यान और रात्रि रहणी पांथ नवास निर्माण हो पारे अधिक पर्यटक आसवास स्थानीय लोक निजुक्ति मिल पारंता। तेणु से आम पिकनिक स्पट जो जो सुविधा अच्छे से प्रति ध्यान देने बहुत पिकनिक स्पटर मान्यता है। ठीक है नदी पानी बही जाऊँच गोटे पथर अच्छे पथर पानीटा पड़ू जहाँ फल फल सृष्टि होटू पर्यटन आसार महत्व है यहाँ गोटे बढ़िया पिकनिक स्पटे कि सरकार दृष्टि की निंते आउ कमला कम्युनिकेसन सुविधा जी बेसी करते बर्तन जहाँ भी अच्छे ठीक अच्छे आउ टे बेटर होगा कथ ये जगह गोटे रेस्टेटे होगा कथ पानी जल जोगाण सुविधा होगा कथ ये बहुत बढ़िया हाँ ये जगह यूट्यूब माध्यम गुड़िया युवक मानक सा कथा लगला बोले कहे आम यूट्यूब्रु देखी गूगल मध्यम ये पहुँची गलुन तो बड़ कथा जी सरकार को मोर अनुरोध आज दिन रे कि एमती गुड़िए स्पट रेड़ाखोल अंचल जेनटा अवेली तयरी पड़ी जेन भल पिकनिक स्पट टूरीजम सेन्टर तैयारी हो पार्बा जेन थे इंटरनेशनल लोग भी ये आसिक रहा आम फरेन
ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ଆସିବ, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏ ଜାଗାଟା। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ କାକଟପୁର ଥାନା ଓଥକା ପଞ୍ଚାୟତ କପା ଗୋରଡି ଗାଁର ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ମାମଲା, ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ। ଏତଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ରାତି ସାରା କାକଟପୁର ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା। ତେବେ ରାତି ସାରା ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନଯିବା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେବା ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଝିଅର କୁଡ଼ିମ 12 ବର୍ଷ ନାବାଳିକା ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ସାର୍ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ସେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ତା ଡିକ୍ସ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଆଡ଼େ ଚାକିରି ଅନୁସାରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ 3 ଦିନର ଘଟଣା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆବର୍ଷରେ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 10ମ କିସ୍ତି ମିଳିବ, ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଜନା ବାବଦ ଅର୍ଥ। ଜାନୁଆରୀ 1 ପୂର୍ବାହ୍ନ ବିସିରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡର ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍। IIT କାନପୁରରେ ଆକଳନ ପରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଗତ କିଛି ଦିନର କୋଭିଡ୍ ଡାଟା। ଦେଶରୁ ଆଉ 47 ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ 700 ପାର କଲା ମୋଟ ଓମିକ୍ରନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ 46 ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 700 ପାର କରିଛି। ଭାରତରେ ମୋଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 717କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିରୋଧ ପରେ ବଦଳିପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିପାରେ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ DMET ଡାକ୍ତର ରମା ରମଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା। ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିନଥିଲା କି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିନଥିଲା, ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିପାରେ। 40% ସର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଓମିକ୍ରନ୍ରୁ ନୁହଁ ଡେଲ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ରହିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ସବୁ ବୈଠକ ବସୁଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ନେବୁ, ପ୍ରିକସନ୍ ନେବୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୀତିମତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯଥା ଗହଳିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବର୍ଷ ଶେଷ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କରିବା ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବା। ହଁ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କଲେଣି, ଫେବୃଆରୀରେ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ କେସ୍ ଆମର ତୃତୀୟ ଲହର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେସ୍ ହାର କମିଯାଇଥିଲା ବହୁତ, 100ରୁ 150 କିମ୍ବା 200 ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 21ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଲା ବିଜେପିର ବଳ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମଣିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ନେତା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲେଟୁଆ ହକିପ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ସେଠାରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହକିପ୍। सरकार में वर्तमान मंत्री NPP पार्टी से लेट पाओ हाउकिप जी का मैं अभिनंदन करता हूं।
लेटपाव जी वर्तमान में एमएलए हैं चांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो एनपीपी पार्टी के हैं और वर्तमान में मंत्री हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और वाटर रिसोर्सेज के मणिपुर के सरकार में। तो स्वाभाविक रूप से लेटपाव जी के आने से मणिपुर जो स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है प्रसिद्ध है, ओलंपिक्स में कई मेडल मणिपुर ने हिंदुस्तान को दिया है, तो एक खुशी का लहर युवाओं के बीच में भी है। मैंने बीजेपी में हमारा पार्टी एनपीपी छोड़कर ज्वाइन करने में फैसला किया है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में हमारा नॉर्थ ईस्ट और देश मणिपुर और विकास तरक्की कर सकता है। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही मूल मंत्र है। पंजाब निर्वाचन पूर्वरु पुणी सेठारे बढ़िला बीजेपी रो शक्ति। पद्म धरिले पंजाब शिरोमणि अकाली दलर नेता एवं कांग्रेस विधायक। दिल्ली बीजेपी कार्यालय आयोजित एक मिश्रण सभारे जोग देइछन्ति शिरोमणि अकाली दल एवं कांग्रेस नेता केन्द्रमंत्री गजेन्द्र शेखावत नेतृत्व में सेमाने बीजेपी रे जोग देइछन्ति। जब में हवा किस ओर बह रही है निश्चित रूप से इस बात की विश्वास आप सबको हो गया होगा। लगातार पिछले दिनों में जिस तरह से एमिनेंट पर्सनालिटीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दायित्व के साथ में काम करने वाले लोग, जिन पार्टियों के साथ में वर्षों से काम कर रहे थे, उनका दामन छोड़ करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। कल भी हम सब लोगों की उपस्थिति में दो प्रेजेंट एमएलएज ने, आदरणीय फतेह सिंह बाजवा जी ने और आदरणीय लड्डी साहब ने ज्वाइन किया था और उनके साथ में अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना सहर्ष स्वीकार किया था। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सब के बीच में आज पंजाब की राजनीति का एक बहुत पुराना नाम और शिरोमणि अकाली दल के साथ में जिनका बहुत पुराना संबंध है, शिरोमणि अकाली दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बठिंडा और मानसा जिले के रहे, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, दो बार विधायक रहे, ऐसे आदरणीय जगदीप सिंह जी नकई जो मानसा के विधायक थे आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम सबके बीच साथ में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उसी के साथ पंजाब की राजनीति का एक युवा चेहरा तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र से आने वाले शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग के ट्रेजरर रहे और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल में विभिन्न पोजीशंस पे जिन्होंने काम किया है, ऐसे युवा साथी श्री रविप्रीत सिंह सिद्धू भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। वर्तमान बुलेटिन रे समय सरिछि, विदाई दियंतु, नमस्कार।